ओम शांति। सुना करते थे गॉड इज ट्रुथ, कुछ लोग ऐसा भी कह देते थे ट्रुथ इज गॉड, लेकिन जो सत्य बोलता है उसको तो भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कहा जाएगा जहाँ सत्यता है वहाँ परमात्मा सहयोग है, उसकी उपस्थिति का आभास हो सकता है। और गॉड इज ट्रुथ अर्थात वही संपूर्ण सत्य ज्ञान का दाता है, वही मनुष्य को सत्य की ओर ले चलता है, वही हमें हमारे सत्य स्वरूप की याद दिलाता है। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। सत्य में शक्ति है, सत्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। सत्य को विवश भले किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। अंततः विजय सत्य की ही होती है, इसलिए हमें स्वयं में सत्य की शक्ति भरना है। सत्य कर्म करने से पुण्य बहुत जमा होते हैं और जिनके कर्म असत्य हैं वो पाप की धुंधली राहों पर चलते हैं, पाप उनकी बुद्धि को मलिन करता रहता है। ये सूक्ष्म पाप भले ही वो महसूस करें वो धनवान बन गए हैं, उन्होंने ये काम कर लिए, परंतु ये सूक्ष्म पाप उनके सिर पर बोझ बनता रहता है, उनके मन और बुद्धि को निरंतर भटकाता है। इसलिए वो ईश्वरीय सुखों का सच्चा रसपान नहीं कर सकते। तो आइए हम सत्य से स्वयं को भरपूर करें। पहले अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, मैं आत्मा हूँ ये हमारा पहला सत्य स्वरूप। फिर आत्मा के सातों गुण, उन्हें स्वीकार करें, उसे पहचाने। हे आत्मा तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, अज्ञान का तुम्हारी बुद्धि में कोई स्थान नहीं। हे आत्मा तुम तो शांत हो, तुम अशांत हो ही नहीं सकती। तुम तो प्रेम स्वरूप हो, तुम्हारे मन में नफरत आ नहीं सकती। तुम तो आनंद स्वरूप हो, सदा प्रसन्न हो। तुम तो परम पवित्र हो, विकारों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम तो सर्वशक्तिमान की संतान हो, शक्तिशाली हो, निर्भय हो। ये हमारा सत्य स्वरूप है। इसे हम न केवल पहचाने लेकिन इसका सचमुच में स्वरूप बनते चले। स्वरूप स्वरूप से अर्थात स्थिति बनने से हम में शक्ति बहुत आ जाती है। ये सत्यता की शक्ति के आगे सारे संसार को झुकना पड़ेगा। ऐसे ही हमने जान लिया है परमात्मा के सत्य स्वरूप को, और ये भी जान लिया है कि वो हमारा है, और ये भी जान लिया है वो निरंतर हमें मदद करने के लिए तैयार है। बस उसने शर्त रखी है कि अपने सारे बोझ मुझे अर्पित करो, मेरे को तेरे में बदलो, और फिकर को बदल कर फकुर ले लो। तो हम ये जानते हैं वो हमारी सारी चिंताएं हर लेगा, वो हमें निश्चिंत बनाएगा। लेकिन यदि मेरा मेरा रहेगा, यदि हम अपने सारे बोझ अपने मन पर ही रखकर चलेंगे, तो हम ईश्वरीय मदद के पात्र नहीं बन पाएंगे। तो आइए आज हम सत्य स्वरूप को देखें, इस संसार के बारे में भी सत्यता को जाने कि ये संसार अब समाप्त होने जा रहा है। जो वस्तुएं वैभव धन संपत्ति है उसकी भी सत्यता को ध्यान दें कि ये सब केवल उपयोग करने की वस्तुएं हैं, ये विनाशी हैं, अविनाशी नहीं। चारों ओर इस सत्य नजर से देखते हुए आज परम सत्य को बार बार विजुअलाइज करेंगे, बार बार उसे देखेंगे। 10-10 सेकंड के लिए हर घंटे में 2-3 बार, बस जैसे यहाँ बैठकर हम उस परम सत्य को निहार रहे हैं, उससे चारों ओर फैलता हुआ तेज हमें बहुत आकर्षित कर रहा है। वो निराकार है लेकिन अति सुंदर है। उसकी सुंदरता को देख
देखकर हमारा चित्त तृप्त हो रहा है। आज आत्मा के सत्य स्वरूप को देखते रहेंगे चमकती हुई ज्योति और परमात्मा के सत्य स्वरूप को और इसका परमानंद लेंगे। ओम शांति।